नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आपको बता दें चले कि आज दोपहर बिलग्राम के गंगाधाम के पास संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ हरदोई दयाशंकर जी बंद गाड़ी में बैठे बैठे वीडियो बना करके कुछ लोगों की गाड़ियों का वीडियो बना लिया और उनका ई चालान काट दिया। जब लोगों ने मोबाइल पर ई चालान के मैसेज आए तो वे डीडी टुडे के सह संपादक संतोष प्रजापति से संपर्क किया तो डीडी टुडे के सह संपादक संतोष प्रजापति ने आरटीओ दयाशंकर से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हमें 300 गाड़ियों का चालान करने का आदेश है, प्रस्तुत है उनसे बातचीत के मुख्य अंश। हेलो, हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ डीडी टुडे न्यूज चैनल से। हाँ जी नमस्कार नमस्कार, हाँ बताएं। अरे सर, आज बिलग्राम में आपने एक मोटरसाइकिल का चालान किया है UP 30BF 1015। सर किस बेस पे किया है? हेलमेट का तो नहीं है? अरे सर, हेलमेट का रोड पे यानी लोकल में भी अलाउ हो गया सर? नहीं सर, देखिए सर, सर बात देखिए, हम आपको भी जानते हैं, आप हमको भी जानते हैं, 1,00,000 गाड़ियाँ चलती हैं, कम से कम 200 टेम्पू चलते हैं सर, ऐसे चलते हैं आपकी छत छाया में मैजिक दलाल चल। लेकिन मेरी मोटरसाइकिल का चालान किया गया सर, मैं जानना चाह रहा हूँ किस बेस पे किया गया है, जबकि मास्क लगाए थे हम और आप वीडियो बना के जा रहे थे, हम सोचे ट्राली का वीडियो बना रहे हैं। सर, सर जी बोल, बिल्कुल जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। ये जैसे ये होता कि ये आपका है? अरे सर बिल्कुल मेरा है, बिल्कुल बोल रहा हूँ। अरे बता तो दिया जाए, करते समय ये नहीं होता है कि जो है ये आपकी गाड़ी है? अरे तो सर गैर कानूनी, गैर कानूनी सारे काम बंद होने चाहिए सर। आपकी आपकी नजर में डबल टेकर बसें चलती थी, आपकी नजर में चल रही अब भी चल रही ना, और ये लोडर चल रहे हैं सारे, जो उनका नहीं किया जाता एक बाइक का किया जाता, वो भी अंदर से बंद करके। आदमी का चालान करो, बता के करिए सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए सर। देखिए हमको 300 मोटरसाइकिल का चालान हर महीने करना है। तो सर 300 मोटरसाइकिल नहीं, हम 3,000 का करवाएंगे। आइए हम अदालत में बैठे हैं, आप देखिए बगैर हेलमेट लोग आ जा रहे हैं, इनका करिए, आपके पुलिस कर्मी बगैर हेलमेट जाते हैं उनका करिए, कि ऐसे बस ऐसे नहीं सर, ऐसे बात करने तो कैसे बात करेंगे सर, हम भी बिलग्राम में। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे डीडी टुडे।